श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की नाराजगी इन दिनों राजनीतिक सुर्खियां बनी हुई हैं। हालांकि इनमें कुछ भी नया नहीं है, इसकी एक बानगी साल 2018 के चुनावी नतीजों के आने के बाद भी दिखी थी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष और युवा चेहरा सचिन पायलट या पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता अशोक गहलोत, ये सवाल तब भी कई दिनों तक चर्चा में रहा था और उसकी वजह भी थी। दरअसल साल 2018 में कांग्रेस 5 साल बाद राजस्थान में फिर सत्ता में लौटी और जोरदार तरीके से लौटी। 2013 के चुनाव में 200 में से मात्र 21 सीटें जीतने वाली पार्टी ने इस बार 99 सीटें खुद जीत ली। कुछ सीटें सहयोगियों ने भी जीती और पार्टी ने आसानी से सरकार बनाने लायक बहुमत जुटा लिया। जीत का असल हीरो माना गया सचिन पायलट को, जिन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उठाते हुए प्रदेश के चप्पे चप्पे में जाकर वापस उन वोटरों का ध्यान खींचा जो साल 2013 में पार्टी से दूर चले गए थे या फिर हताश महसूस कर रहे थे। मगर आखिरकार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और सचिन पायलट को पायलट यानी डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई। सचिन पायलट साल 2002 में कांग्रेस से जुड़े थे और इसके बाद लगातार राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। मात्र 23 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले सचिन पायलट कॉरपोरेट सेक्टर में नौकरी करना चाहते थे। उनकी इच्छा भारतीय वायुसेना में पायलट की नौकरी करने की भी थी, लेकिन 11 जून 2000 को एक सड़क हादसे में पिता राजेश पायलट की मौत ने युवा सचिन पायलट के जीवन की दिशा बदल दी। पायलट के लिए राजनीति का क्षेत्र कोई अजनबी जगह नहीं है, भारतीय राजनीति में उनके पिता राजेश पायलट का बड़ा नाम रहा है। उनकी माँ रमा पायलट भी विधायक और सांसद रही हैं। साल 1977 में यूपी के सहारनपुर में जन्मे पायलट ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नई दिल्ली में एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई और फिर उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में चले गए थे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले सचिन पायलट बीबीसी के दिल्ली स्थित कार्यालय में बतौर इंटर्न और अमरीकी कंपनी जनरल मोटर्स में काम कर चुके हैं, लेकिन बचपन से ही वो भारतीय वायुसेना के विमानों को उड़ाने का ख्वाब देखा करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जब मुझे पता चला कि मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं बड़े होकर अपने पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे पायलट सरनेम को लेकर चिढ़ाया करते थे, तो मैंने अपनी माँ को बिना बताए ही हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस ले लिया। लेकिन जब सचिन पायलट ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालना शुरू किया तो अपने पिता के अंदाज में ही खुद गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमना शुरू किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें डायनेस्टिक लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही सचिन ने एनडीटीवी के कार्यक्रम में इस बारे में बातचीत की थी। पायलट ने कहा था, राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा, इस क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। 42 साल के पायलट पिछले 17 सालों से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते आए हैं। सचिन ने अपने राजनीतिक सफर के बारे में कहा था, जब मेरे पिता जीवित थे तो मैंने कभी उनके साथ बैठकर अपने राजनीतिक सफर को लेकर बात नहीं की थी, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो जिंदगी एकदम से बदल गई। इसके बाद मैंने सोच समझ कर राजनीति में आने का फैसला किया। किसी ने भी राजनीति को मेरे ऊपर थोपा नहीं है। मैंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ भी सीखा था मैं उसके बदौलत सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता था। दौसा और अजमेर से सांसद रह चुके पायलट बीते विधानसभा चुनावों में टोंक से चुनाव लड़े और जीते। इस दौरान उन्होंने कई जगह चुनावी सभाएं की और लोगों से सीधा रिश्ता बनाने की कोशिश भी। एक रैली के दौरान जब पायलट चुनावी सभा में देरी से पहुंचे तो उन्होंने उनको सुनने आए लोगों से माफी भी मांगी। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा, मैं दलाई लामा का काफी सम्मान करता हूं। किसी भी व्यक्ति की असली ताकत वो होती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ 30 सेकंड भी बिताता है तो आपके अंदर विनम्रता, धैर्य और चेहरे पर वो मुस्कान रहे जिससे लोग आपके साथ सहज हो जाएं। वो बीते 50 सालों से इसी मुस्कान के साथ जी रहे हैं। सचिन पायलट ने जम्मू कश्मीर के एक पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा से शादी की है। इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी रह चुके सचिन ने मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी करने पर सवाल उठाने वालों को एक इंटरव्यू में खुलकर जवाब दिया था। सिमी ग्रेवाल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था, धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मसला है। जब आप जिंदगी के अहम फैसले लेते हैं तो धर्म और जाति के आधार पर ही फैसला नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सबसे करीबियों में गिने जाने वाले पायलट को अपनी बात साफगोई से रखने वाला नेता माना जाता है। ब्लूमबर्ग क्विंट को दिए इंटरव्यू में सचिन पायलट ने कहा था, मैं मानता हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके अंदर ताकत की भूख नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने गहलोत को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। इसके बाद औपचारिक प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम के आधार पर मजाक में कहा, इस कमरे में सभी लोग बैठे थे, किसे पता था आखिर में 2 लोग करोड़पति बन जाएंगे। गंभीर मुद्दों पर स्पष्टता के साथ बात करने वाले सचिन पायलट को इस दौरान खुलकर ठहाके लगाते हुए भी देखा जा सकता है। राजनीति में ऐसे लोग कम हैं जो खुलकर ठहाका लगाते हैं। उन्हें अपनी बात को असरदार ढंग से प्रस्तुत करने की भी महारत हासिल है। इसमें तर्क भी होते हैं और शब्द भी।